गगन में होती जैसे तारों की झिलमिल। ये है नवसाक्षर महफिल, ये है नवसाक्षर महफिल, ये है नवसाक्षर महफिल, ये है नवसाक्षर महफिल। साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आज हमारे सतत शिक्षा केंद्र में श्रीमती रमा आनंद आ चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन्होंने हमारे आज के पर्यावरण विषय के ऊपर काफी काम किया है और आज हमें ये बताएंगी कि हम अपने आसपास की या घर की बेकार चीजों को प्रयोगात्मक कैसे बना सकते हैं। तो आप बहुत सी चीजें जो है जो कि हम इस्तेमाल करके और उनमें जो बाकी बची रहती हैं व्यर्थ चीज़ें, जिससे कि हमारे वातावरण के ऊपर बेहद असर पड़ता है, जिसमें शीशियाँ हैं, डिब्बे हैं, बॉटल्स हैं, रद्दी हैं और टायर्स, जो पुराने टायर हैं, चाहे वो स्कूटर से लेके बुलडोजर तक के टायर, उनको मैंने इस्तेमाल किया। तो उनसे मैंने फर्नीचर बनाया, उनसे मैंने काफ़ी डेकोरेटिव आइटम्स बनाई। इनको निकास करने के लिए उसमें अक्सर क्या किया जाता है कि इनको जलाया जाता है टायर्स को, और जलाने से जो धुआं पैदा होता है और जो जहरीली गैसें बनती हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए तो बेहद हानिकारक हैं। इनको लगता है कि हमारे आसपास फालतू चीज़ें पड़ी रहती हैं, अगर आप थोड़ा सा उसके ऊपर गौर करें या उस पर महसूस करें कि इससे हम क्या अच्छी से अच्छी चीज़ बना सकते हैं और जिससे हमारे वातावरण पे जो इतना असर पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा प्रबंध नहीं होता कि हम इनसे किस तरह से छुटकारा पा सकें। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो भी आप देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द या आपके घर में कोई फालतू सामान पड़ा हुआ है, उसकी जो आप अच्छी से अच्छी चीज़ बना के बनाने की कोशिश करें, ताकि हमारे जो पर्यावरण के ऊपर है उसका अच्छा असर पड़े। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो जिस कुर्सी पे मैं बैठी हुई हूँ, ये कुर्सी भी हमारी संस्था की बनी हुई है। इसमें ये देखेंगे कि ये हिस्सा जो है और ये हिस्सा, ये सब टायर है। और इसके साथ साथ हमने बहुत ही इसमें आइटम्स बनाई हैं, जो कि अपनी जगह पे हर एक जो चीज़ है की अपनी ही एक महत्वता है। मैं आप सबका बहुत ही धन्यवाद करती हूँ, मैंने आपका टाइम दिया। हाँ साथियों, आज का हमारा विचार कैसा रहा पर्यावरण के बारे में और सफाई के बारे में? ठीक रहा ना? और मुझे लगता है कि श्रीमती रमा आनंद जी के बातें सुन के या उनके विचार से या उनके कार्य को देखकर आप लोगों को काफी कुछ प्रेरणा मिली होगी। तो साथियों तैयार हो, आज का कार्यक्रम शुरू किया जाए। हाँ बैठो सभी। देखो साथियों, अभी अभी आपसे एक भूल हो गई है और आप लोगों को तो पता भी नहीं लगा होगा, है ना? आप सभी अभी खेल के मैदान से आ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी हाथ मुंह नहीं धोए। धोए हैं क्या? किसी ने भी अपने पैर नहीं धोए। हाँ कितनी गलत बात है ये, है ना? हम आप सभी लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि आप भविष्य में इन छोटी छोटी बातों का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा ध्यान रखो। और सुनो, आप लोगों ने एक गलती और की है। हाँ शायद मनीष जी, आपका इशारा इनके गंदे कपड़ों की तरफ है। वो भी है, लेकिन मैं बताऊं भैया? नहीं नहीं, इस बार संजला को बताने। वो ये है कि हम सभी ने जूते चप्पल यूं ही उल्टे सुलटे उतार दिए। शाबाश, ये तो बहुत समझदार लड़की है। हाँ। अच्छा बताओ, तुम किस जमात तक पढ़ी हो? भैया जी, मैं सातवीं कक्षा तक पढ़ी हूँ, आदर्श विद्यालय में। बहुत खूब बहुत खूब। आज के विषय की शुरुआत तो आप पहले से ही करा चुके हैं। हाँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वच्छता यानी सफाई हम सभी को अच्छी लगती है। क्या आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसे सफाई पसंद ना हो, गंदगी अच्छी हो? दीदी ऐसा तो कोई पागल ही हो जिसे साफ सफाई पसंद ना हो। बहुत सही कहा। अब जरा बारीकी से देखते हैं कि सफाई के कितने आयाम हो सकते हैं।
भैया आयाम का क्या मतलब हुए है? बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्यों है? तो आयाम से हमारा मतलब है भाग या प्रकार, यानी स्वच्छता के कितने प्रकार हो सकते हैं। मरीज भैया चाहे आप कुछ भी कहो, भाई सफाई तो कदम कदम पर चाहिए, और भाई सफाई भी ऐसी जैसे कि अपने शरीर की सफाई, अपने घर की सफाई, अपने कपड़ों की सफाई, और भाई वो किताब और कॉपियों की सफाई। ये सफाई के ऐसे आयाम हैं जिन पर थोड़ा बहुत ध्यान तो सभी देते हैं, लेकिन आज हम इन पर थोड़ा बारीकी से विचार करेंगे। और हाँ, सबसे पहले हम लेंगे अपने शरीर की सफाई। हाँ हम लोग रोजाना नहाते हैं तो शरीर की सफाई उसी से हो जाती है। हाँ हाँ भाई, नहाना तो बहुत अच्छी बात है, हमें अपने शरीर की सफाई तो रखनी ही चाहिए। तो सबसे पहले लेते हैं आंतरिक सफाई। देखो साथियों, प्रत्येक व्यक्ति को सुबह 5 से 6 के बीच में उठ जाना चाहिए, वो समय सबसे अच्छा रहता है। उठने के बाद हमें 2-3 ग्लास ठंडा पानी पीना चाहिए, और तभी हमें नित्य क्रम शौच आदि के लिए जाना चाहिए। आप जानते हैं पानी पीने से क्या क्या लाभ होते हैं? देखो सुबह जो हमारे को हाजत होने लगती है, और हमारे जो अमाशय में जो छोटी और बड़ी आते हैं उनको सफाई करने में बड़ा आसानी मिलती है, और जो उदर भाग में जो गैस बनती है वो भी शांत हो जाती है, और हमारे शरीर में एक स्वच्छता और ठंडक पैदा होती है। और इसके बाद आती है आंख, कान, नाक और मुख की सफाई, और इसके बाद स्नान। अच्छा आप बताओ कि आंखों की सफाई कैसे की जाए? दीदी हमें बताया गया है कि सर्दियों में तो थोड़े गुनगुने पानी से, और गर्मियों में शुद्ध और शीतल जल से आंखों में छींटे देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, लेकिन इस बात का ध्यान अवश्य रहे कि आंखें धोने के लिए जिस भी जल का प्रयोग हम करें वो साफ छना हुआ होना चाहिए। देखो शहरों में तो ऐसे जल के लिए सरकारी नल से पानी आता है, वो बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन गांव में जैसे कुएं, नदी या तालाब का पानी भी इसके लिए प्रयोग किया जा सकता है। पर हाँ, कोई भी जल लेने से पहले हम ये देख लें कि वो पूर्ण रूप से छना हुआ है, और जब भी हम अपनी आंखें धोएं तो मुंह में पूरा पानी भर लें। उससे क्या होता है, हमारी आंख पूरी तरह से खुल जाती है और हमारी आंखों को स्थायी ठंडक मिलती है। चलो अब होगी मुख की सफाई, कौन बताएगा? भैया जी मैं बता सकूं हूं। पता है सबसे पहले तो दांतों की सफाई किसी बारीक मंजन से करनी चाहिए, और फिर जो आगे के दांत होवे है ना उसे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर मलना चाहिए, और जो दाढ़ों वाला भाग होवे है उसमें गोलाकार ब्रश घुमाना चाहिए। दीदी दांतों को अंदर की ओर से भी बहुत अच्छी तरह साफ करना जरूरी है, मुंह में कई बार पानी उछर उछर करके कुल्ला करना चाहिए, मुंह में जीभ घुमाकर अच्छी तरह पता चल जाता है कि मुंह की सफाई हुई है या नहीं। अब नंबर आता है जीभ की सफाई का। जिब्बी के द्वारा जीभ को 2-1 बार जरूर साफ करना चाहिए, और आपको पता है दांतों को बीच में से चीर कर भी जिब्बी बनाई जा सकती है। एक स्वस्थ व्यक्ति की जीभ हमेशा लाल या गुलाबी रंग की होती है, अगर जीभ का रंग पीला या सफेद लगता है तो उसे कब्ज की शिकायत है, और हमें नाक को भी छिनक कर 2-1 बार साफ कर लेना चाहिए। हाँ, और अब इतनी सफाई कर लेने के बाद नंबर आता है शरीर की सफाई का। तो साथियों शरीर की सफाई के लिए रोज स्नान करना बहुत जरूरी है, और स्नान हमेशा ताजे पानी से करें। यदि पानी ठंडा है तो थोड़ा सा गर्म कर लो, क्योंकि हल्के गुनगुने पानी से नहाने पर शरीर की सफाई और अच्छी होती है। और शरीर को अच्छी तरह साफ करने के लिए साबुन का प्रयोग भी किया जा सकता है। हाँ। अरे राम जी भला करे सविता बहन, हम तो देहात के रहने वाले लोग हैं और बेसन और दही से ही अपना शरीर साफ कर लेते हैं, और बाल धोने में हम जो मुल्तानी मिट्टी काम में लावे हैं का वो ठीक नहीं है? अरे काकी बेसन दही मुल्तानी मिट्टी ये तो बहुत ही बढ़िया कुदरती चीजें हैं, इनसे बढ़कर तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। हमें इसके अलावा हफ्ते में 2-1 बार शरीर की मालिश भी करवानी चाहिए, इससे हमारे रक्त संचार पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। अच्छा दीदी एक बात बताओ, ये मालिश करने के लिए तेल कौन सा बढ़िया है? शुद्ध सरसों का तेल, शुद्ध नारियल का तेल, या फिर तिल का मीठा तेल, आप किसी भी तेल से शरीर की मालिश कर सकते हैं, और सरसों का तेल तो कीटाणु नाशक भी होता है। हाँ, तो ये हुई तन की सफाई। अब एक सफाई और रह गई है, वो है मन और बुद्धि की सफाई। देखो साथियों, अच्छी किताबें पढ़ने से, अच्छे विचार रखने से, खेल कूद में रुचि लेने से, और सुबह शाम व्यायाम करने से हमारे मन और बुद्धि दोनों की स्वच्छता
और ताजगी बनी रहती है। और हाँ, बुजुर्गों के लिए जैसे हमारे मनीराम जी या जाकिर भाई, इनके लिए स्वाध्याय यानी अपने आप पढ़ना, कीर्तन में जाना और सत्संग आदि में बैठना, ये सबसे मन की और बुद्धि की स्वच्छता और सफाई बनी रहती है। मनीष जी, व्यक्तिगत सफाई तो आपने खूब तबीयत से करवा दी। अरे नहीं, नहीं, मैंने क्या करवा दी, आपने, मैंने और हमारे सभी साथियों ने मिलकर की। क्यों साथियों? तो अब हम लेते हैं अपने घर और द्वार की सफाई, क्यों? ठीक है, ठीक है। चलो मनीष जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारा घर एक जीता जागता मंदिर होता है और इसकी सफाई करना, इसको स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल, हम तो सौ बातन की एक ही बात जानते हैं कि जो तुम अपने घर को साफ सुथरा रखोगे, झाड़ पोंछ के, लीप पोत के, तो वो तुम्हें प्रसन्न रखेगो और खुश रखेगो। अब मनीष बाबू तुम्हें एक बात बताओ, जो घर गंदा हो, झाड़ू बुहारी ना लगी हो और चारों कोने में मकड़ी के जाले जाले लगे हों, तो भैया ऐसे भूत बंगला में कोई रह सके क्या? वाह रामू काका वाह, आपने तो भूतिया मकान का नक्शा ही खींच दिया। प्रतिवर्ष हमें अपने घर की सफाई, रंग रोगन, लिपाई पुताई जरूर करनी चाहिए। अरे राम जी भला करे, हमारे यहाँ तो दिवाली और दशहरा पर यूं ही हर साल सफाई का काम हो जावे है। हाँ बिल्कुल, और देखो हर साल मकान की सफाई करते वक्त हम जितनी भी फालतू चीजें हों उनको बाहर निकाल देना चाहिए, कबाड़ी को भेज देना चाहिए, वरना जानते हो होगा क्या कि एक समय ऐसा आएगा कि घर में सामान इतना भरा होगा कि हम लोगों को उठने बैठने और चलने फिरने की जगह भी नहीं मिलेगी। भैया जी, मेरे बाबूजी कहते हैं कि घर में सिर्फ दो ही प्रकार की वस्तु हो सके हैं, एक वो जो कि किसी न किसी काम में आवे हैं और दूसरी जो कि सुंदर लगे हैं, भली लगे हैं और घर की शोभा बढ़ावे हैं। अरे वाह भाई, ये तो बहुत बढ़िया फार्मूला बताया आपने घर के कबाड़ को कम करने का, तुम सविता जी। हाँ तो अब मतलब ये निकला कि घर में केवल उपयोगी और सुंदर वस्तुएं ही रहनी चाहिए। हाँ मनीष भैया, क्या मैं भी कुछ कह सकता हूँ? बेशक, कहो क्या कहना चाहते हो। मेरी माता श्री का मानना है कि हर चीज अपनी जगह पर सही तरीके से रखो। भाई सुबोध, हम तुम्हारी माता जी के आभारी हैं कि उन्होंने तुम्हारे माध्यम से हम सबको ये नेक सलाह दी है कि हम सब अपनी चीजों को तरीके से रखें। सविता बेटी, ये बात तुमने बहुत गहरी कह दी। अब देखो, जो चीज बात अपने थोड़ा ठिकाने पे रखी हो तो वाय आंख मूंद के भी वहीं पे उठा लो। अब सुनो, बत्ती चली गई जी और अंधेरा होगा घुप्पम घुप, ठीक है? अब अगर मोमबत्ती या दिया सराई वाई जगह पे रखी हो तो टटोरते टटोरते जाओ और झट वहीं पे उठा लो और जरा लो, उजीतो ही उजीतो, नहीं तो भैया खाते रहो अंधेरे में पटकी पे पटकी। और अगर अपनी नियत जगह पे नहीं रखी हुई है तो बताओ कहाँ ढूंढोगे माजे, और नतीजा क्या होगा कि अंधेरे में बैठे रहोगे और एक दूसरे को कोसते रहोगे और जैसे ही उठोगे तो गिर पड़ोगे। चलो खैर, आज बातें तो बहुत अच्छी हो गई। अब आप सभी रोजमर्रा की सफाई तो आप जानते ही हैं, एक कोई भी एक साफ सा कपड़ा लेकर अपने घर की रोज जमने वाली धूल भी हमेशा साफ करनी चाहिए। मनीष जी, आप कहें तो मैं आपको आज की एक घटना बताऊं। हाँ बिल्कुल। आज जब मैं आ रही थी तो रास्ते में एक औरत छत से सड़क पर कचरा फेंक रही थी जो एक राहगीर के ऊपर गिर गया। अब उन लोगों में हो गई कहा सुनी। कमाल है, ये तो वही बात हुई कि चोरी और हीना चोरी, यानी गलती भी करो और गुर्राओ भी। मनीष जी, मुझे तो उन तमाशबीनों को देखकर आश्चर्य हो रहा था कि चुपचाप बैठे हुए थे, सारा तमाशा देख रहे थे, लेकिन मुंह से किसी के एक शब्द भी नहीं निकला, जैसे उनके मुंह पर ताला लगा हुआ। एकदम गलत बात है, गूंगे बहरेन की तरह यूं देखते रहना। अरे भैया एक बात सुनो, कोई गलत काम कर रहा हो तो वहां को वैर विरोध तो करना ही चाहिए। काका जी मान लो, अगर वही कचरा उस राहगीर की बजाय उस महिला को ऊपर गिर जाता ना, तो वो तो लड़ लड़ के आसमान सर पर उठा लेती। बिल्कुल दीदी, मैं तो यह नया कभी सहन नहीं करता। वो कूड़ा फेंकने वाली काकी से कहता, गलती सरासर तुम्हारी है, फौरन इनसे माफी मांग लो, वरना वरना क्या भाई। अरे नहीं नहीं भाइयों, दंगे फसाद की नौबत कभी नहीं आती। देखो आपने एक कहावत सुनी है ना कि चोर के पैर ही कितने होते हैं। जहां भी ऐसी जगह कोई एक भी आदमी अगर हिम्मत से खड़ा होता है तो उनके हौसले फस्त हो जाते हैं। और चलो मान लो कि ये सामाजिक बुराई दूर नहीं भी होती तो कम से कम उस पर रोकथाम तो लगती है। बिल्कुल।
भैया जी मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी, हमें बुराई को देखकर चुप नहीं बैठना चाहिए। अरे राम जी भला करें, भैया आप ही बतावे कि अपने घरों की सफाई कौन नहीं करता, पर इसका मतलब यो तो ना हुआ कि अपना घरों तो कर लियो साफ और भैया कूड़ा उठाया डाल दिया सड़क पर, यो बात भी तो गलत है ना। बिल्कुल सही बात है काकी, अरे यही होता है अक्सर, यानी सारे घर वाले यदि एहतियात बरते हैं और कूड़े को कूड़ेदान में डालें और कचरे को यहाँ वहाँ ना फेंक के घूरे तक पहुँचा दें तो ऐसी नौबत क्यों आया भला, भैया बताओ आप ही। देखो भाई ये बात तो हमको सभी को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि हमारी जरा सी लापरवाही से हमारा पूरा माहौल और पर्यावरण इतना गंदा हो जाता है कि हम लोग वहाँ पर बिल्कुल ठहर नहीं सकते। अच्छा मनीष जी आप कहें तो मैं इनसे कुछ प्रश्न पूछूं। हाँ हाँ क्यों नहीं पूछो ना। आप ये बताइए कि हमारा पर्यावरण यानी हमारा आस पड़ोस साफ और स्वच्छ रहे इसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अरे दीदी हमारे विद्यालय में ये बात बहुत जोर देकर बताई गई थी कि प्लास्टिक की थैलियों या पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ सुना तो हमने भी है। काकी हमें भी स्कूल में यही बताया गया है। हाँ तो मतलब ये कि हमारी महफिल के सभी सदस्य पॉलीथीन के प्रति जागरूक हैं। हाँ देखो साथियों पॉलीथीन बैग बहुत ही गलत चीज होती है। होता क्या है कि ये ना तो वर्षों तक गलता है और ना ही सड़ता है, और जो हम फेंकते हैं वो नालियों में पाइपों में या फिर बड़े बड़े नालों में रुकावट पैदा कर देता है, और फिर आप जानते हो उसका नतीजा क्या होता है। भैया जी नालियां रुक जावे हैं और फिर जो गंदा पानी हुए है ना वो गलियों में गड्ढों में भर जावे और उसमें मक्खी मच्छर ये सब हो जावे और फिर उससे तरह तरह की बीमारियां आ जाती हैं। शाबाश संजला तुमने तो प्रदूषण का पूरा नक्शा ही बता दिया। कुछ ही दिनों पहले मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था कि ये जो प्लास्टिक की थैलियां होती है ना जो हम कूड़े में फेंक देते हैं इनको खा लेने से प्रति वर्ष 80,000 से ज्यादा गाय भैंसों की मृत्यु हो जाती है। सुना आपने, गलती इंसान करता है और भुगतना पड़ता है इन बेचारे जानवरों को। हम करते क्या है कि खाने पीने की चीजें फल फ्रूट के छिलके आदि पॉलीथीन बैग में भर देते हैं और उसको कूड़े कचरे में डाल दिया, और भूख से छटपटाते जानवर उसको खा जाते हैं जो कि जाकर उनकी आंतों में फंस जाती है और उनकी जान पराव होती है। मनीष भैया अगर तुम सब हमारी बात मानो तो मैं तो कहता हूँ कि अभी तुम प्रण कर लो पक्की ठान लो कि ऐसी गलती हम कब ना करें। भाई तो साथियों आप काका की बात से सहमत हैं? आपको पता है पर्यावरण को दूषित करने वाली बर्बाद करने वाली और भी बहुत सारी बातें हैं। पता है आपको जैसे पेड़ पौधों और जंगलों की कटाई, हाँ धुआं उगलने वाली फैक्ट्रियां, धुआं उगलने वाले ईंट के भट्टे और ये जो दिन रात वाहन चलते हैं तेल से डीजल से, समझे आप? अरे दीदी अब इस प्रदूषण की समस्या तो हमारी सरकार और हम सभी देशवासी आपस में मिल करके सहयोग करके और कम प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन का प्रयोग करके दूर कर सके हैं। और हम ग्रामवासी भी तो बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कचरा इधर उधर ना फैलाएं, रेडियो टीवी धीमी आवाज में चलाएं और खुद भी अधिक शोर न मचाएं। अजी इसके अलावा भी और बहुत से रचनात्मक कार्य हैं जिन्हें हम कर सकते हैं जिनसे कि वातावरण सुहावना बनता है, जैसे कि पेड़ पौधे लगाना। बेटा मैं तो यूं कहूं कि अगर हमारे देश के 100 करोड़ स्त्री पुरुष अगर एक एक पौधा लगाएं और बाल बच्चे की तरह बेटा बाकी देखभाल करें तो जी सुन लियो के कम से कम 100 करोड़ वृक्ष रह जाएंगे। वाह रामू काका आपने कितना बढ़िया फॉर्मूला बताया है भारत को एक हरा भरा राष्ट्र बनाने का। अगर हम इतने सारे पेड़ उगाएंगे तो इस प्रदूषण का कुप्रभाव काफी कुछ कम हो जाएगा। राम जी भला करें। सविता बहन एक बात तो मैं भी अपनी बहनों से कहना चाहूँ कि वे सभी अपने घरों में धुआं रहित चूल्हे बनवाएं और खाना तो हमेशा ही गोबर गैस या रसोई गैस पर ही बनावें। वाह काकी वाह, तुम्हारी बात में तुम नहीं जानती एक बहुत बड़ा वरदान छिपा हुआ है। हाँ मनीष भैया एक बात तो है कि बिना धुआं के चूल्हा और गैस रसोई पे काम करने से हमारी माँ बहन और बहू बेटी की जो आंख है ना वो कई तरह की बीमारी से बच जाएगी, जैसे रतौंधी परवाल रोहे और तीजो का के हैं वो आंख दुखने की बीमारी, भैया वहां उनसे भी रक्षा है जाएगी उनकी। अब तो सौर ऊर्जा से चलने वाले कुकर भी बाजार में आ गए हैं और सूरज की रोशनी से ही खाना पक जाता है। यू तो जी वही बात हुई के हींग लगी ना फिटकरी और रंग चोखो।
हमें फालतू और टूटी फूटी चीजों को काम में लाने की कोशिश करनी चाहिए। ये बात तो अब आप लोग अच्छी तरह समझ ही गए होंगे, जैसा कि आपको मिसेज आनंद समझा कर गई थी। हाँ सविता जी, मुझे लगता है कि हमारा आज का आखिरी कार्यक्रम सवाल और जवाब, उसे शुरुआत करते हैं। हाँ ठीक है। हाँ तो साथियों, फिर तैयार हो आप लोग? अजन तैयार। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो अब हम आपसे पर्यावरण के ऊपर पूछेंगे कुछ सवाल, और प्रत्येक सही सवाल का उत्तर देने वाले को 5 अंक मिलेंगे। हाँ, और आज देखते हैं हम कि सबसे ज्यादा अंक किसे मिलेंगे। ठीक है मनीष जी, वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? मैं सोच रही थी कि आज हम 2 टोलियां बनाते हैं। अरे वाह, ये हाँ? तो बहुत सुंदर विचार है। हाँ। एक टोली में तो होंगी तीजन भाई और दूसरी टोली में रामू काका। हाँ। अरे वाह, चलो आप सभी लोग अपनी अपनी टोलियां बनाओ। हाँ संजला, उधर चली जाओ तुम। तुम इस तरफ आ जाओ, ठीक है। हाँ ये हुई ना बात, देखो ऐसे बैठे हुए आप सभी लोग कितने अच्छे लग रहे हैं, क्यों सविता जी? हाँ बिल्कुल ठीक, देखते हैं आज कौन सी टोली जीतती है। चलो ठीक है सविता, हम दोनों बैठते हैं और इनसे करते हैं सवाल जवाब। हाँ ठीक है, तो भाई ये तैयार हो? तो सबसे पहला प्रश्न ये बताओ कि राष्ट्रीय स्वच्छता और सफाई दिवस हम लोग किस दिन मनाते हैं? मनीष भैया हम बताएं, ये मनाया जाए 2 अक्टूबर को। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक, बड़े होशियार है ना हम काका। हाँ। अच्छा अब ये बताइए कि हमारे गांव में सफाई की कमी के प्रमुख कारण क्या हैं? हाँ बताओ। हाँ कौन बताएगा? हाँ 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 किसन हाँ। काकी बताएंगी। अशिक्षा और स्वच्छता की भावना की कमी। अच्छा तीसरा प्रश्न, स्वच्छता या सफाई से जुड़ा हुआ हमारे यहाँ कौन सा पर्व है? मैं बताऊं भैया, वो है दीपावली। अरे अरे वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, तो ये तो चलो अगला प्रश्न आप पूछो। हाँ। अच्छा आप ये बताइए कि कुएं के जल को साफ रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? कुएं को हर 6 महीने बाद साफ करना चाहिए और कुएं से गंदी मिट्टी और कीचड़ वगैरह निकालना चाहिए। हाँ। पांचवा प्रश्न, पीने के पानी को कीटाणु और जीवाणु रहित बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मनीष भैया हम बताएं, पानी को पहले तो खूब अच्छी तरह उबाल लो, ठीक है, और बाके बाद वह ठंडो कर लो, और जब वो ठंडो है जाए तो छान के साफ सुथरे बर्तन में भर दो। मनीष भैया पीने के पानी का जो बर्तन होता है ना, उसे रोजाना साफ करना चाहिए। अच्छा शौच आदि के बाद हाथ कैसे स्वच्छ करोगे? मैं बताऊं? हाँ तीजन का की आप बताओ। पीली मिट्टी और राख से। हाँ बिल्कुल ठीक भाई, ये तो जमकर मुकाबला हो रहा है। खाने से पूर्व हमें किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, कौन बताएगा? हाँ हाँ बताओ जल्दी। हाथ पैर और मुंह साफ करके। हाँ और सविता जी एक बात और है, अगर हाथ जो है साफ पानी से और साबुन से धोए जाए तो और भी बढ़िया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 5 जून को। प्रश्न नंबर 9, पर्यावरण में हमें कौन कौन से प्रदूषणों से बचना होता है? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, और मनीष जी धुआं, धक्कड़ और गैस। हाँ तो साथियों आज की प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, तो दोनों टोलियां तैयार हैं? हाँ बस तो अब बताओ ये कि हम लोग वृक्षारोपण सप्ताह किस दिन मनाते हैं? हाँ जल्दी, टाइम हमारे पास बहुत कम है, जल्दी से। अच्छा ऐसा करते हैं, सुनो देखो तीजन भाई की टीम का एक अंक कम है। हाँ तो पहले मौका हम तीजन भाई को देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। तो तीजन भाई आप बताओ कि वृक्षारोपण सप्ताह कब मनाते हैं? जुलाई के पहले सप्ताह में। अरे वाह, दोनों टोलियां बराबर। सभी के लिए पुते हो हरी भरी फसलें लहराए बहार
और मैं तो यही कहूंगा बेटा सबने कि भाई जो समझदार आदमी है वो अपने अपने घर में एक एक वृक्ष जरूर लगावे बेटा, कोई खुशी का टाइम हो तो लगावे, अरे कोई हम जैसा बुढ़ा लुढ़क जावे तो उसकी याद में पेड़ लगावे बेटा। तो एक आदमी एक पेड़ लगाएगा तो करोड़ों पेड़ हो जाएंगे, वातावरण शुद्ध हो जाएगा बेटा। और भाइयों मेरा तो ये कहना आपसे कि जहाँ तक हो सके पैदल चलो, पैदल चलने से आपके हाथ पैर खुलेंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आजकल के बच्चे जरा सी दूर जावे मोटरसाइकिल, जरा सा काम जावे मोटरसाइकिल पे, अरे बेटा जब आजकल के छोरों में शक्ति नहीं रही, तो इसलिए जहाँ तक हो पैदल चलो। ये है नौ साक्षर मैं थी, ये है नौ।